सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। देखिए हम लोग आज पढ़ते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, अब देखिएगा डिग्री मीन्स क्या होता है, अवस्था। अवस्था मीन्स क्या होता है, एक स्थान। स्थान जैसे हमने कहा आपका किसी चीज़ में स्थान कौन सा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, या आपसे अगर तुलना करते हैं किसी की, आप मतलब किस स्थान पे तुलना करने पे हैं कि आप उससे अच्छे हैं या उससे बुरे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, बहादुर हैं, कमज़ोर हैं, वो दिखाता है आपका डिग्री यहाँ पे, ठीक है। और कंपैरिजन मीन्स क्या होता है, तुलना। देखिए कहने मतलब देखिए इसकी मीनिंग क्या पूरी हमारी आएगी। डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है, हम लोग अवस्थाओं के क्या करते हैं यहाँ पे, हम लोग तुलना करते हैं, अवस्था की तुलना। जैसे हमने कहा वह आपसे अधिक बहादुर है, वह आपके जितना बहादुर है, वह आपसे अधिक सुंदर है, वह आपसे अधिक जैसे भी हैं, तो यहाँ पे तुलना करते हैं उसकी अवस्थाओं का, उसका जो एक हमारा प्लेस होता है स्थान, उसकी तुलना यहाँ पे हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसे देखो अब देखिए डिग्री हमारी कितने प्रकार की यहाँ पे होती है, डिग्री खास का तीन प्रकार की होती है हमारी, कौन कौन सी। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। दूसरी कौन सी होती है, कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरी कौन सी होती है, सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री देखिएगा पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अब देखते हैं हमारा पॉजिटिव मीन्स क्या होता है, मतलब पॉजिटिव डिग्री मीन्स क्या होता है। पॉजिटिव मीन्स क्या होता है, इसे कहते हैं हम लोग सिंपल, जिसे कहते हैं इसे हम लोग क्या, साधारण अवस्था, ये हो गया हमारा। और इसको क्या बोलेंगे, कंपैरेटिव को हम लोग बोलेंगे किसको, तुलनात्मक अवस्था, तुलनात्मक अवस्था। सुपरलेटिव मीन्स सर्वोत्तम अवस्था, सर्वोत्तम अवस्था, ये इसके नाम है। साधारण अवस्था, तुलनात्मक अवस्था, सर्वोत्तम अवस्था। अब देखिए साधारण में क्या होता है, देखिए हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, देखिए पॉजिटिव डिग्री। अब देखिए पॉजिटिव डिग्री मीन्स क्या होता है, साधारण अवस्था। कंपैरेटिव मीन्स तुलनात्मक, सुपरलेटिव मीन्स सर्वोत्तम। अब देखिए इसको हम लोग किस प्रकार से पहचानते हैं अपनी डिग्री को। पॉजिटिव में ऐसा होता है जो हमारे सेंटेंस होते हैं उसमें क्या आता है हमारा, आइज डॉट डॉट आइज, ये आता है। और दूसरा हमारा इसमें क्या आता है, सो डॉट डॉट आइज, ये आएगा। देखिए जब हमारा आइज करके आइज आएगा तो ये हमारा किस में रहेगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में रहेगा। लेकिन ये किस में रहेगा हमारा, ये रहेगा नेगेटिव सेंटेंस में। इस प्रकार से इसका एग्जांपल देखते हैं, इसे हमने यहाँ पे कहा लिखा है, ही इज आइज गुड आइज यू, ये। अब देखिए हमने बात किया किसकी यहाँ पे, आइज, तो ये किस में है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में है, ये देख लीजिए। अब देखिए हमारा इसमें हम लोग बात करते हैं, हमने कहा ही इज नॉट सो गुड एज यू, ये किस में है, नेगेटिव में। तो कह सकते हैं कि ये वाला जो हमारा पार्ट होता है आपका एज, और यहाँ देखो बीच में हमारे यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे कोई एडजेक्टिव आता है। जैसे देखिए इसमें हमारा गुड क्या है, एडजेक्टिव। अब देखिए यहाँ पे खास करके जो हम लोग तुलना करते हैं, अगर इसकी हम बात करें, तुलना किसकी करते हैं हम लोग यहाँ पे, इसके एडजेक्टिव की भी करते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव से इसकी अवस्थाएं बनती हैं। अच्छा होना, बुरा होना, किसी प्रकार से होना क्या दिखाता है, एडजेक्टिव से दिखाता है उसकी अवस्था, फिर उसकी अवस्थाओं की तुलना करते हैं हम लोग यहाँ पे। देन बता दिया, देख लीजिए आप लोग, जब कभी भी आएगा हमारे अफर्मेटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा, सेंटेंस इस प्रकार से आएगा। ये एकदम से सिंपल है आपका, हमने कहा यहाँ पे ही इज एज गुड एज यू, वह तुम्हारे जितना अच्छा है, मींस क्या है, तुलना हमने नहीं किया यहाँ पे, एकदम साधारण अवस्था। फिर नीचे कह दिया हमने ही इज नॉट सो गुड एज यू, वह तुम्हारे जितना अच्छा नहीं है। कहने का मतलब क्या है, दोनों में अच्छाई क्या है, बराबर है, जितना अच्छा ये उतना अच्छा तुम भी हो, यहाँ पे ये मीनिंग आ रही। तो देखिए पॉजिटिव में हमारा सेंटेंस इस प्रकार से आएगा आपका,
अब कंपरेटिव में क्या होगा, इसमें हम तुलना करते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, जैसे जो हमारा एडजेक्टिव होता है, कोई भी जो हमारा होता है, देख लीजिए यहाँ पे बात करते हैं हम थोड़ा सिलेबल की। पहले हम लोग अगर बात करते हैं सिलेबल, हमने कहा यहाँ पे सिंगल सिलेबल। सिलेबल क्या होता है, सिलेबल मीन्स क्या होता है हमारा, किसी भी वर्ड का भाग, किसी भी वर्ड का भाग, शब्द का भाग। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कुछ वर्ड को बोलते हैं हम, देख लीजिए ओनली वन टाइम में लिख दिया हमने इसको ब्रेव। अब देखिए इसको बोलते हैं हम लोग कितनी बार में, बोलते हैं एक बार में। फिर लिख दिया हमने यहाँ पे इसका डबल सिलेबल, डबल सिलेबल लिख दिया हमने। मान लीजिए यहाँ पे ब्यूटीफुल, ये देखिए तो इसको हम बोलते हैं कितनी बार में, देखिए बोलते हैं डबल बार में ब्यूटीफुल। ये तो जब कभी भी हमारा सिंगल सिलेबल आएगा तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, एडजेक्टिव में लगाते हैं हम साथ में इसके क्या यहाँ पे ई आर। जैसे लिख दिया हमने यहाँ पे ब्रेव से क्या बनेगा हमारा, लगाएंगे ई आर, बनेगा यहाँ पे ब्रेवर। तो ये होता है आपका सिंगल सिलेबल, ये हो गया। अब देखिए डबल में क्या करते हैं हम लोग, जैसे हमारा लिखा गया ब्यूटीफुल तो उससे क्या बनेगा हमारा यहाँ पे मोर ब्यूटीफुल, ये हो जाएगा हमारा वहाँ पे। इसमें हम लोग ई आर का यूज नहीं करते हैं, इसमें करते हैं साथ में इसके हम लोग ई आर। ये हो गया आपका सिलेबल, मीन्स होता है किसी भी वर्ड का भाग, कि वर्ड को हम लोग कितने भागों में बांट करके उसको हम पढ़ते हैं। हमने कहा यहाँ पे ब्रेव, अब देखिए इसको कितने बार बोल दिया हमने, बोला उसको ओनली वन टाइम। इसको बोल दिया हमने ब्यूटीफुल, लिख दिया हमने यहाँ देख लीजिए इंटेलिजेंट। इसको देखिए बोलते हैं हम तीन भाग में, हमने कहा इंटेलिजेंट तो इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए इसके पहले हमारा क्या आएगा कंपेरेटिव डिग्री में मोर आएगा, मोर इंटेलिजेंट, मोर ब्यूटीफुल, मोर ऑनेस्ट। अब देखिए बोलते हैं ऑनेस्ट, उसको बांटते कितने सिलेबल में हम लोग, बांटते उसको डबल सिलेबल में, तो आएगा मोर ऑनेस्ट, ऐसा बोलते हैं। अब देखिए इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में यहाँ पे आता है डैन, और यहाँ पे देख लीजिए डैन हमारा सब में जो है सबके पास यहाँ पे बाद में आएगा। हमने कहा ब्रेवर डैन, मोर ब्यूटीफुल डैन, इस प्रकार से आएगा। देखिए डैन मीन्स क्या होता है, से, या क्या होता है कि अपेक्षा, मतलब उसकी अपेक्षा या उससे। हमने कहा तुम उससे अधिक बड़े हो, उससे मतलब क्या, ये आ गया तुम उसकी अपेक्षा अधिक बड़े हो, हमारा की अपेक्षा आ गया। यहाँ पे तुलना करते हैं हम, आप दोनों की तुलना कर रहे हैं कि जो है दोनों में कमियाँ क्या हैं, दोनों में अच्छाइयाँ क्या हैं, दोनों में बुराइयाँ क्या हैं, इसी तुलना यहाँ पे हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए अब सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है हमारा, ये देखिए कंपरेटिव डिग्री आपका इतना बनता है, ये आपका कंपरेटिव फॉर्म हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं कोई, हम लोग यहाँ पे नीचे यहाँ पे दिख रहा है, इस नीचे लिखते हैं यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है ना, छोड़ दीजिए अभी उसको यहाँ पे। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री की, इसका मतलब क्या होता है हमारा, सर्वोत्तम अवस्था मीन्स सबसे। जैसे हमने देख लीजिए इसका लिख दिया अभी सिंपल में, लिख दिया हमने यहाँ पे गुड, और इसका लिख दिया हमने यहाँ बेटर, और लिख दिया हमने सुपरलेटिव में इसको बेस्ट। तो देखिए इसकी हिंदी मीनिंग कैसे, हमने कहा गुड मीन्स अच्छा, बेटर मीन्स अधिक अच्छा, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा। तो इसकी मीनिंग क्या आती, अधिक, हमने कहा उससे अधिक, तुमसे अधिक, किसी से भी अधिक, और इसमें क्या आता है सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा। ये सर्वोत्तम है अवस्था में, सबसे निकालता मीनिंग अपनी ये। इसमें क्या होता है, यदि हमारा कोई वर्ड सिंगल सिलेबल में है तो क्या लगाते हैं उसमें एडजेक्टिव में, हम लोग लगाते हैं ई एस टी, क्या लगाते हैं ई एस टी। यदि हमारा कोई वर्ड डबल सिलेबल में क्या लगाते हैं वहाँ पे हम लोग, इसके पहले मोस्ट, मोस्ट आएगा प्लस हमारा क्या आएगा यहाँ पे वही एडजेक्टिव आएगा, ये आएगा। जैसे कह दिया मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट, ये करके आता है, लगाएंगे अभी ना। देखिए यहाँ पे जब सिंगल सिलेबल आएगा तो इस प्रकार से आएगा, डबल सिलेबल में इस प्रकार से आएगा, और देखिए इन सब के पहले क्या होता है, लगाते हैं हम लोग द सुपरलेटिव डिग्री में, इतना होता है। जैसे हमने कहा वह सबसे अच्छा है, क्या बोलेंगे इसके लिए हम लोग, ही इज़ द बेस्ट, वह सबसे सुंदर है, सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, ऐसे बोलते हैं यहाँ पे। तो देखिए सुपरलेटिव में इस प्रकार से आएगा, कंपरेटिव में इस प्रकार से, पॉजिटिव में इस प्रकार से आएगा। तो
तो सेंटेंस में तुलना भी करना हमको इस प्रकार से भी ला करके यहाँ पे, ठीक है। इतना पहले कॉपी कर लीजिए आप, देखिएगा अब डिग्री में किस प्रकार से आपको जो है चेंज करना है यहाँ पे। कभी कभी ऐसा होता है हम लोग को पॉजिटिव डिग्री से यहाँ पे चेंज करना होता है कंपरेटिव डिग्री में, ये आता है। और कभी कभी हमारा कंपरेटिव से चेंज करना होता है आपको यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री में। इसके बाद में कभी कभी आपको चेंज करना होता है पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री से, और कभी कभी चेंज करना होता है सुपरलेटिव से पॉजिटिव में। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि हमें कंपरेटिव डिग्री का बनाना होता है यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री। तो देखिए चेंज किसी प्रकार से भी करने के लिए आएगा, आप लोग उसको चेंज करिएगा, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस किस प्रकार से यहाँ पे आएगा आपका, अब सभी डिग्रियों का, जैसे देखिए पहला सेंटेंस लिखा गया, लिखते हैं पहले हम लोग यहाँ से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने के लिए। जैसे लिख दिया हमने राम इज आएज ब्रेव आएज यू, ये आ गया। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा आपका, राम इज आएज ब्रेव आएज यू, और इसके बदले लिख देगा पीछे यहाँ पे इसको चेंज करना आपको कंपरेटिव डिग्री में। ये देखिए सेंटेंस हमारा किस डिग्री में है, पॉजिटिव डिग्री में। चेंज किस में करना है हम लोग को इसको, कंपरेटिव डिग्री में। अब कैसे करना है पीछे पढ़ाया गया था आप लोग को अभी वहाँ पे। देखिए उठाते हैं पहले हम लोग यहाँ से यू, यू को लेकर के आएंगे पहले यू, उसके बाद में क्या आएगा आर, यू आर, देन क्या आएगा, देन क्या आएगा कंपरेटिव में क्या बनेगा इसका, और ये भी जानते हैं निगेटिव एग नहीं आएगा आपका यहाँ पे, अब निगेटिव फॉर्मेट एग नहीं आएगा यहाँ पे। निगेटिव फॉर्मेट जो है वो आपका इसमें तो लगाना निश्चित है, तो करिएगा यू आर नॉट देन ब्रेवर, ब्रेवर। देखिए हमने क्या लगा दिया इसमें, एडजेक्टिव में लगा दिया हमने यहाँ पे ई आर, यू आर नॉट ब्रेवर, इसके बाद में क्या आएगा देन राम, ये आएगा। ये कंपरेटिव फॉर्मेट बन गया और पढ़ाया भी गया था पीछे, यदि आपका पहला सेंटेंस अफर्मेटिव में आएगा तो इसका बदला पार्ट किस में आएगा, निगेटिव में आएगा, ठीक है। देखिए राम इज आएज ब्रेव आएज यू, राम तुम्हारा जितना बहादुर है, नीचे क्या मीनिंग आएगी, यू आर नॉट ब्रेवर देन राम, तुम राम से अधिक बहादुर नहीं हो। मीन्स क्या है, दोनों बहादुर जो हैं समान रूप में, उनकी अवस्थाएँ क्या हैं समान हैं, ठीक है। दूसरा देखिएगा फिर पॉजिटिव में आपका आता है एग्जाम्पल, लिख दिया सी इज नॉट, निगेटिव में आएगा सो ब्यूटीफुल आएज यू। अब देखिएगा हमारा सेंटेंस किस में आ गया है, बताया गया था पीछे जब कभी भी मिलेगा आपको आएज डॉट डॉट एज तो किस में होता है पॉजिटिव डिग्री में आता है। फिर क्या आएगा सो डॉट डॉट एज किस में होता है हमारा पॉजिटिव डिग्री में। तो दोनों सेंटेंस हमारे किस में हैं पॉजिटिव में, इन्हें चेंज किस में करना है आप लोग को, कंपरेटिव डिग्री में चेंज करना है, ठीक है। और फिर वही काम करते हैं, देख लीजिए यहाँ से उठाएंगे यू को, इसकी देखिए मीनिंग क्या आएगी, सी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज यू, वह तुम्हारे जितना सुंदर नहीं है। मीन्स क्या है, सुंदर कौन ज़्यादा है ये, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं देखिए यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री की, तो क्या दिखाता है, दिखाता है समान अवस्था। तो सुंदरता दोनों में क्या है, यहाँ पे समान की बात करते हैं, यहाँ तुलना अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, तुलना करने अब जा रहे हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे आएगा यू आर, अब यहाँ पे नॉट आएगा नहीं आएगा। अब देखिए हमारा सिलेबल कौन सा हमारा वर्ड है, ये डबल की सिंगल डबल, तो इसके पहले कंपरेटिव में क्या आएगा मोर, उसके बाद में आएगा ब्यूटीफुल देन, अब यहाँ पे आएगा सी, यू आर मोर ब्यूटीफुल देन सी, तुम उससे अधिक सुंदर हो। सी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज यू, अगर तुलना की बात करते हैं यहाँ पर भी आएगा हमारा तुलना करने के लिए, इसका देखिए भाव समझते हम लोग, सी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज यू, वह तुम्हारा इतना सुंदर नहीं है। नीचे देखिएगा यू आर नॉट, यू आर मोर ब्यूटीफुल देन सी, तुम उससे अधिक सुंदर हो, मतलब सुंदर कौन है,
अब यहाँ पे यू आर मोर ब्यूटीफुल देन सी, तो यहाँ सुंदर कौन है, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। सी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज यू, अब देख लीजिए सुंदर मतलब क्या बताया है, ये नहीं है, लेकिन नीचे मीनिंग क्या आ गई, ये है। कैसे समझे थोड़ा सा इसको, देखिए जब कभी भी चेंज करते हैं तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, उसके बाद इसके अनुसार हमारे पे हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसमें हमारा आएगा मोर, एडजेक्टिव आएगा, देन उसका सब्जेक्ट आएगा। और देखते हैं, इसे लिख दिया पॉजिटिव डिग्री में हम लोग, यहाँ पे लिख दिया हमने ही इज एज गुड, एज किसी नाम लिख दो, राम लिख दो, रमेश, यहाँ पे ही इज एज गुड एज राम, वह जो है राम जितना अच्छा है। अब देखिए इन दोनों की अवस्थाएँ क्या हैं, वो पॉजिटिव है मतलब क्या है, समान है, इनका हमें क्या करना है, आप यहाँ पे तुलना करना है, सीडिम कर देना है, तो पहले क्या आएगा, रमेश इज नॉट, ये नेगेटिव में आएगा, रमेश इज नॉट, फिर क्या आएगा, इसका कंपरेटिव फॉर्म क्या गुड का होगा, बेटर, उसके बाद में देन, और यहाँ पे आएगा ही सब्जेक्ट, रमेश इज नॉट बेटर देन ही, रमेश उसके इतना अच्छा नहीं है, मतलब क्या दोनों की तुलनात्मक क्या इसमें अभी बराबर है। तो जो कोई भी यहाँ पे आएगा डिग्री, कोई सेंटेंस आएगा सामने लिख करके यहाँ पे आएगा, आपको इसमें कन्वर्ट किस में करना है, कंपरेटिव में, पॉजिटिव में, सुपरलेटिव में, ऐसे करना रहेगा यहाँ पे। और कोई एग्जाम्पल बोलिए आप लोग, हाँ पॉजिटिव का बोलिए, सिंपल सेंटेंस का बोलिए आप लोग, अभी सेंटेंस ही नहीं मिलेगा। हमने कहा आई एम नॉट सो वाइज एज यू, ये जो हमारा होता है सो और एज, ये डायरेक्ट क्या दिखा देता है, आपका तुलना करना दिखाता है यहाँ पे। इसका देखिए, आई एम नॉट सो वाइज एज यू, मैं तुम्हारे जितना बुद्धिमान नहीं हूँ, समझदार नहीं हूँ। ये सेंटेंस किस डिग्री में है, पॉजिटिव डिग्री में है। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या आया है, सो डॉट डॉट एज, ये क्या है, एडजेक्टिव है, इसे चेंज किस में करना है हम लोग को, कंपरेटिव डिग्री में। क्या बनेगा इसका कंपरेटिव में, बनाइए आप लोग बताइए, हाँ इसमें दिख रहा है नीचे, यू आर, उसके बाद में क्या आएगा, अब देखिए हमारा सिलेबल कौन सा, डबल या सिंगल, इसको बोलते हैं कितने बार में, वन या टू या उससे अधिक, बोलते हैं वन, तो इसको बोलते हैं सिंगल सिलेबल, तो यू आर क्या आएगा, वाइजर। एडजेक्टिव में क्या लगाएंगे कंपरेटिव डिग्री में, ई आर, उसके बाद में आएगा देन, देन ये आएगा आई और फुल स्टॉप, ये हो गया। इतना करना है बस, कहने का मतलब कंपरेटिव में इन दोनों को रिमूव कर देना है, और निगेटिव में नॉट रिमूव कर देंगे यहाँ पे, और इसका हमारा कंपरेटिव फॉर्म आएगा, देन आएगा, सब्जेक्ट आएगा। इसको और भी इजी कर सकते हैं हम लोग, इसके स्ट्रक्चर से देख लीजिए आप लोग, बताया गया था पीछे यहाँ पे, जब कभी इसे आपका मान ली पॉजिटिव में कभी ऐसे आता है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में यहाँ पे आएगा हेल्पिंग वर्ब, और निगेटिव आएगा, उसके बाद में कभी यहाँ पे आता है सो डॉट डॉट एच करके आता है, और कोई सब्जेक्ट आएगा, इतना हो गया हमारा। कंपरेटिव में क्या आएगा, देखिए पहले पीछे का सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, अब इसमें नॉट का यूज नहीं करेंगे हम लोग, सीधे क्या आएगा हमारा, कंपरेटिव फॉर्म आएगा उसका हमारा, ठीक है। जैसे हमारा एडजेक्टिव आएगा, इसमें क्या लगा देंगे हम लोग, ई आर, इसके बाद में क्या आएगा, देन, और लास्ट में यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट। इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपरेटिव डिग्री, यदि हमारा नॉट लग करके आ रहा है, तो अगर नॉट नहीं लगाते तो कैसे करते हैं इसको हम, इस प्रकार से। तब बदला पार्ट हमारा किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। कभी कभी ऐसा होता है जो हमारा पॉजिटिव डिग्री है, इसमें आता नो अदर करके, इसे हमने कहा नो अदर बॉय, ये कह दिया हमने, लिखते हैं आप बॉयज, नो अदर बॉयज आर एज गुड एज, किसी नाम लिखते लिख दिया हमने यहाँ पे राहुल, ये
नो अदर बॉयज आर एज गुड एज राहुल, मीन्स राहुल जितना अच्छा और कोई दूसरा लड़का नहीं है। ये दिखा दिया हमारा। नो अदर मीन्स क्या होता है, कोई अन्य नहीं, कोई दूसरा नहीं। अब देखिए हमारा सेंटेंस किस में है, ये पॉजिटिव डिग्री। पहचानते कैसे इसको पॉजिटिव डिग्री में, यहाँ लगा हमारा एज डॉट डॉट एज करके, ठीक है। इसको हमें चेंज किस में करना है, कंपरेटिव डिग्री में। फिर वही काम करते हैं, क्या करते हैं, हमारा सब्जेक्ट कहाँ से आएगा, यहाँ पे आएगा, लिखेंगे हम लोग राहुल, ये आएगा इज, देन इसका हमारा क्या आएगा, कंपरेटिव फॉर्म आएगा, कंपरेटिव फॉर्म आएगा ना, तो राहुल इज क्या आएगा, बेटर देन देन, उसके बाद में नो अदर से क्या बनता करके, यहाँ पे एनी अदर बॉयज, ये कह दिया हमने। अब देखिए सेंटेंस हमारा नेगेटिव से क्या बन गया करके, यहाँ पे अफर्मेटिव, पीछे पढ़ाया भी गया था आपका, नो क्या बनता है, एनी आकर के बन भी गया। यहाँ पे पहले सब्जेक्ट आएगा, देखिए राहुल इज बेटर, राहुल अधिक अच्छा है, किसके अपेक्षा, दूसरे अन्य लड़कों के, ये कह दिया। एग्जाम्पल क्यों लेते हैं, हमने कहा यहाँ पे पीडी में है, नो अदर पोएट या पोएट्स कह देते हैं हम लोग यहाँ पे, पोएट ऑफ इंडिया इज एज ग्रेट एज कालिदास, नो अदर पोएट ऑफ इंडिया इज एज ग्रेट एज कालिदास, कालिदास जितना महान इंडिया में कोई दूसरा राइटर या कवि नहीं है, मतलब कोई महान नहीं है, ठीक है। नो अदर पोएट ऑफ इंडिया इज एज गुड एज कालिदास, कालिदास जितना महान व्यक्ति कोई पोएट जो है इंडिया में दूसरा नहीं है, ये कहेंगे यहाँ पे इसके लिए हम लोग। फिर कहते हैं सेंटेंस में किस में हम लोग इसको आप कंपरेटिव डिग्री में, फिर उठाते हैं यहाँ पे हम कालिदास, ये आएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, इज, उसके बाद कंपरेटिव आएगा हमारा, क्या आएगा, बेटर देन, ग्रेटर लिखा ना, हम ग्रेटर, हम सोचे गुड लिखा है, ग्रेटर, उसके बाद में क्या आएगा, देन, यहाँ पे देख लीजिए आप इसको, ये कंपरेटिव आएगा, देन आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, एनी अदर, उसके बाद में क्या आएगा, ये जो हमारा पहला पार्ट होता है यहाँ देख लीजिए आप, ये जहाँ सब्जेक्ट रहता है इसका, ये वो पीछे चला आता है, आगे देखिए पीछे का सब्जेक्ट आगे आएगा, आगे का सब्जेक्ट हमारा कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा, पोएट ऑफ इंडिया, ये आ जाएगा इस प्रकार से। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हमारा पॉजिटिव डिग्री में आता है नो अदर, तो कंपरेटिव में उसके लिए क्या आएगा, आएगा एनी अदर, ये हो गया। बोलिए एग्जांपल, नो अदर, इसे पहले कर देते हैं इरेज हम लोग, नो अदर होली बुक एमोंग द हिंदूज, एक मिनट, हिंदूज इज एज पॉपुलर एज द रामचरितमानस, लिखा मानस और फुल स्टॉप। नो अदर, यहाँ पे इसको थोड़ा लिखते हैं क्लियर हम लोग, अब यहाँ पे नो अदर, नो अदर होली बुक एमोंग द हिंदूज एज पॉपुलर एज द रामचरित मानस, रामचरित मानस जितना हिंदू में कोई दूसरी किताब प्रसिद्ध नहीं है या पवित्र नहीं। होली मीन्स क्या होता है, पवित्र होता है। अब देखिए यहाँ पे इतना पार्ट हमारा क्या हो गया, वो आप समझ लीजिए हमारा सब्जेक्ट आ गया, दूसरा हमारा सब्जेक्ट क्या है, रामचरित मानस, ये देख लीजिए आप, ये दोनों में इन्हें को आगे पीछे करना है हमें, इसमें क्या हो जाएगा, पीछे हमारा आगे आएगा
द राम चरित मानस, ये आ गया। उसके बाद में क्या आएगा, देखिए यहाँ पे हमने चेंज किया था ना, इसका ये सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद में क्या आएगा हमारा एडजेक्टिव कहाँ पे है, आइज के बीच में रहता है, ये देख लीजिए आप। पॉपुलर हमारा सिलेबस कौन सा है, वन या टू, सिलेबल कौन सा है हमारा डबल, इसके लिए क्या आएगा मोर पॉपुलर। उसके बाद में क्या आएगा देखिए आप लोग, यहाँ पे हमने चेंज किया इसको एडजेक्टिव फॉर्म, इसका नाम क्या आएगा यहाँ पे देन, उसके बाद में एनी अदर, देन आगे का हमारा पूरा पार्ट कहाँ जाएगा, जाएगा पीछे, होली बुक एमोंग द हिंदूज, या जो भी हो कॉपी कर दो इसे फुल स्टॉप, इस प्रकार। तो जब कभी भी नो अदर आएगा तो आपको चेंज करना इस प्रकार से सेंटेंस को, पॉजिटिव से कंपरेटिव बना रहे हैं इनका, देख लीजिए हम लोग यहाँ पे। और कोई सेंटेंस बोलिए अगर इच्छा हो तो आप लोग की, लिख दिया हमने ऊपर, इसको इरेज कर देते हैं। नो अदर बिल्डिंग इज एज ग्रैंड, लिखा है ना शानदार, एज द ताज, नो अदर बिल्डिंग इज एज ग्रैंड एज ताज, ताज जितना दूसरा महान है दूसरा कोई शानदार बिल्डिंग नहीं है, ये आएगा यहाँ पे। पहले इसमें क्या आएगा द ताज इज, उसके बाद में क्या आएगा ग्रैंडर, देन एनी अदर बिल्डिंग, ये कर देंगे इस प्रकार से इसको हम लोग। देखिए पीछे का सब्जेक्ट आगे आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन इसका एडजेक्टिव का कंपरेटिव फॉर्म आएगा, उसके बाद में देन आएगा एनी अदर, और लास्ट लीजिए आप लोग इसे यहाँ पे लिखा गया है, हमने लिखा नो अदर राइटर, लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, राइटर इज एज ग्रेट एज, किसका नाम लिख दें यहाँ पे, हम लोग लिख देते हैं प्रेमचंद, प्रेमचंद। अब देखिए यहाँ पे नो अदर राइटर इज एज ग्रेट एज प्रेमचंद, ये हमारा किसमें है, ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव डिग्री में है, और आप लोग को चेंज किसमें करना है, ये चेंज करना है कंपरेटिव में भी हो सुपरलेटिव डिग्री में, दोनों में चेंज करना है। अब दोनों पढ़ते हैं एक साथ हम लोग यहाँ पे, हैं ठीक है। तो पहले इसको हम लोग चेंज किसमें करते हैं, कंपरेटिव डिग्री में। तो देखिए यहाँ पे नो अदर लिखा है, पीछे पढ़ाया गया अभी आपको इसके बारे में, सब्जेक्ट पहले यहाँ से आएगा प्रेमचंद, प्रेमचंद, उसके बाद में क्या आएगा सब्जेक्ट इज, उसके बाद में एडजेक्टिव का कंपरेटिव फॉर्म यहाँ पे क्या आएगा ग्रेटर, उसके बाद में देन, नो अदर से क्या बनेगा एनी अदर, आफ्टर दैट राइटर, क्या गया। प्रेमचंद जितना महान राइटर दूसरा कोई नहीं है, ये कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब नीचे देखिए इसका सुपरलेटिव में क्या आएगा, आप ये एकदम से सिंपल है आपका, ठीक है। यहाँ कहेंगे इसको हम प्रेमचंद इज द, उसके बाद में इस एडजेक्टिव कंपरेटिव फॉर्म क्या होगा यहाँ पे ग्रेटेस्ट राइटर, ये आ गया सिंपल एकदम से। देखिए सब्जेक्ट इज, उसके बाद में इसी मतलब एडजेक्टिव का हमारा यहाँ पे क्या गया कंपरेटिव फॉर्म, देख लीजिए हो जाएगा हमारा द ग्रेटेस्ट राइटर, प्रेमचंद जो है सबसे महान लेखक हैं, सबसे महान। देखिए हम लोग कहते हैं यहाँ महान, यहाँ कह दिया हमने अधिक महान, यहाँ कह दिया हमने सबसे महान, ये साधारण है, ये तुलना करता, ये हमारा क्या करता, एक चीज नोट कर लीजिएगा आप लोग, जो हमारा सी डी होता है ये हमेशा तुलना करता है कितने नाउन प्रोनाउन में, सिर्फ दो, जैसे हमने कहा किसी के दोनों नाम, हमने कहा मोहन सोहन से अधिक अच्छा है, रोहन मोहन से अधिक मेहनती है,
कुछ भी कह दिया हमने, लेकिन जो हमारा सीडी, जो हमारा एसडी होता है, ये तुलना करता है सबसे। जैसे हमने कहा मोहन सबसे अच्छा है, जितने भी लोग हमारे आसपास हैं उन सब की बात करते हैं हम लोग, इसमें कोई संख्या नहीं है। जब हम लोग सीडी में तुलना करते हैं तो हमारा सिर्फ यहाँ पर दो ही की बात करते हैं। एसडी में क्या होता है, दो से अधिक, तीन चार पाँच छः सात, जितने लोगों से हम लोग तुलना करते हैं ये सब दिखाता है यहाँ पे एसडी। जैसे लिख देते हैं अभी हम यहाँ पे, देखिए गुड, बेटर, बेस्ट, जी अच्छा, अधिक अच्छा, सबसे अच्छा। अब देखिए सबसे अच्छा तो हमने कह दिया, लेकिन हमने नहीं कहा कि किससे किससे अच्छा है, मींस क्या है सबसे अच्छा है। अभी कोई लड़का गांव में है, हम कहते हैं वह सबसे अच्छा है, तो इसका मतलब क्या है, जितने भी लड़के गांव में हैं वो क्या, उन सबसे अच्छा है, इसकी तुलना ये करते हैं हम लोग, ठीक है। ये साधारण है, ये तुलना करता है दो का, लेकिन ये हमारा तुलना करता है सबसे, ओके। और कोई सेंटेंस बोलिए सेम ऐसे ही, जैसे हमने कहा यहाँ पे नो अदर करके बोलिए सेंटेंस, नो अदर करके, नो अदर स्टेट ऑफ इंडिया, हाँ ऐसा बोल दीजिए आप लोग, नो अदर स्टेट ऑफ इंडिया इज एज पॉपुलर, पॉपुलर होगा, स्पेलिंग बोलिए, पी ओ पी यू एल, पॉपुलस मतलब महान, इसका भी होता है, ठीक है। आएज कौन सा, यूपी, पॉपुलस के जैसे उसको पॉपुलर कहें हैं कि बात है दोनों की, ठीक है जी। मीन्स यूपी जितना महान राज्य कोई दूसरा नहीं है, ये कह दिया हमने यहाँ महान, या कह दिया हमने लोकप्रिय, लोकप्रिय मीन्स जिसको लोग पसंद करते हैं, जो सबके लिए क्या हो, प्रिय होता है, ये कहते हैं लोकप्रिय हम लोग। अब ये किस में है हमारा, ये किस डिग्री में है, पॉजिटिव, चेंज करना हमें यहाँ पे फिर इसको कंपरेटिव में और सुपरलेटिव में, दोनों करते हैं साथ में यहाँ पे हम लोग, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम लोग, उठाते हैं यहाँ से, हमने कहा यूपी इज, अब देखिए यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव क्या है, डबल सिलेबल है, इसके लिए क्या आएगा, मोर पॉपुलर, या कहिए पॉपुलर बात एक ही है, उसके बाद में देन एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया, ये हो गया यहाँ नो अदर, तो यहाँ पे आएगा हमारा एनी अदर। अब इसका देखिए सुपरलेटिव कैसे बनेगा हमारा, क्या आएगा, यूपी इज द, इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा सुपरलेटिव में, मोस्ट। कभी कभी ऐसा होता है हमारे यहाँ मच, मोर, मोस्ट बोलते हैं, कभी कभी पॉजिटिव डिग्री में मच करके आता है, मच आ गया, मेनी आ गया, ये देख लीजिए इस प्रकार से आता है हमारा, तो इसके लिए आएगा हमारा यहाँ कंपरेटिव में मोर, और सुपरलेटिव में इसके लिए आएगा मोस्ट, ऐसे करते हैं इसको हम, तो यूपी इज द मोस्ट एडजेक्टिव पॉपुलर स्टेट इन इंडिया, उत्तर प्रदेश जो है पूरे इंडिया में क्या है, सबसे पॉपुलर राज्य है, सबसे सिंपल है यार, देख लीजिए जैसे ऊपर किया था अभी हमने, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया आपका यहाँ पे, देन इसका हमारा तुलनात्मक जो होता हमारा अवस्था आ गया, उसके बाद जो कुछ आगे होता हमारा बताया गया था, ये जो होता हमारा आगे यहाँ का, ये क्या होता हमारा यहाँ पे आगे बन जाता है इसका सब्जेक्ट। देखिए जैसे कभी कभी आपने पीछे पढ़ा अभी यहाँ पे सिंपल जो पॉजिटिव में हमारा आता है, लिखा गया था यहाँ पे ही इज एज, ही इज एज, उसके बाद क्या लिखते हैं यहाँ पे हम लोग, लेबोरियस एज श्याम, पहले हम बात करते हैं सिंपल की यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा से हमने कहा ही इज एज लेबोरियस एज श्याम, वह श्याम जितना परिश्रमी है। अब देखिए इसी को आपको चेंज कर देना है कंपरेटिव डिग्री में भी और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर देना है, ठीक है ना। अब कंपरेटिव में क्या आएगा इसके लिए, देखिए आप, श्याम इज, उसके बाद में क्या आएगा, नॉट, करें चाहे ना करें लिंक कर देते हैं नॉट, उसके बाद देखो यार सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे,
सहायक क्रिया फिर नॉट, फिर क्या आएगा हमारा, इसका कंपरेटिव फॉर्म आएगा, यहाँ पे क्या आएगा मोर, इसको बोलते हैं हम लोग डबल सिलेबल में, तो इसके लिए क्या आएगा मोर आएगा ना। इसको एक बार पढ़ के थोड़ा सा देख लिया कीजिए आप लोग, एडजेक्टिव को हमने कहा लेबोरियस, पढ़ा इसको तो वाइस हमने कहते हैं इंटेलिजेंट ब्यूटीफुल ऑनेस्ट, ऐसे होता हमारा ये। तो श्याम इज नॉट मोर लेबोरियस देन ही, ये कंपरेटिव बन गया इसका, ये तो आ रहा आप लोग को, इसका चेंज करते हैं हम लोग सुपरलेटिव एसडी बनाते हैं इसका। आप देखिए ये सीडी था, ये एसडी है, बस इजी है। लेकिन अब यहाँ पे देख लीजिए आप लोग तुलना किससे कर रहे हैं, अब देखिए अभी यहाँ पे सिर्फ कितने लोग थे, ओनली 2 पर्सन, तो यहाँ कंपरेटिव तक तो सही है आपका, इतना सही है। लेकिन यदि ये बनाते हैं इसका हम सुपरलेटिव, तो इसमें से हमें क्या करना होगा, एक सब्जेक्ट को क्या कर देना है यहाँ से गायब कर देना, कहेंगे हम यहाँ पे ये ही इज द मोस्ट लेबोरियस, बस बन गया इतने में आपका ये ही इज द मोस्ट लेबोरियस, बस सबसे ज्यादा परिश्रमी है बस। अब यहाँ पे दोबारा श्याम हमको नहीं लिखना आपको, ये हमारा क्या हमने बताया था, जो एसडी होता है तुलना सबसे करता है, कहने मतलब यदि आपके घर में अगर 5 भाई हैं आप और किसी का नाम लेते हैं कि वो सबसे ज़्यादा परिश्रमी हैं, तो क्या है वो 5ों में सबसे ज़्यादा परिश्रमी है, 4 क्या हैं थोड़ा से कम परिश्रमी, कोई आलसी है कोई कैसे है, तो इसकी बात करता है। लेकिन जब हम लोग 5ों की तुलना करते हैं 2-2 करके, तो वहाँ पर हमारा आता है कंपरेटिव डिग्री, ठीक है ना। अब आते हैं पीछे हम लोग, अब थोड़ा से पॉजिटिव डिग्री में लिखते हैं हम यहाँ पर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल, ये आ गया वेरी फ्यू बोलते हैं आप इसको ना, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल इज एज गुड, लिख देते हैं यहाँ पे हम गुड एज यू, सिंपल। ध्यान दीजिएगा जब भी वेरी फ्यू आता है तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे हमेशा किस में आता है, प्लूरल में आता है, ये डेफिनेटली आपको ध्यान देना है यहाँ पे, यहाँ हमारा हमेशा आता है प्लूरल में ही। अब देखिए वेरी फ्यू आया हमारा, तो कंपरेटिव में क्या होगा इसके लिए, अब कंपरेटिव में क्या होता है मैनी अदर या मोस्ट अदर आता है, लेकिन कहाँ पे देन के बाद में आता है, और तुलना हमको सेम ऐसे करना। देखिए यहाँ पे उठाएंगे पीछे से इसका हम सब्जेक्ट यू, फिर आर, यू आर इतना लिख दिया, फिर कहाँ चलना हमें एडजेक्टिव के पास, बेटर देन, ये जब पीछे हमारा यहाँ नो अदर आया था तो यहाँ पे एनी अदर आया था, याद है आप लोग को ना। लेकिन जब हमारा कभी भी यहाँ वेरी फ्यू आएगा तो देन के बाद में आता मोस्ट अदर या फिर आता है मेनी अदर, दोनों में से कोई एक यहाँ पर लिख सकते हैं इसके लिए आप यहाँ पे, तो यू आर बेटर देन मोस्ट अदर, या कर देंगे इसको हम मेनी अदर, ओके यू आर बेटर देन मोस्ट मेनी अदर, फिर हमारा ये आएगा ये स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल लिखा यहाँ पे, ये हो जाएगा इस प्रकार से, सिंपल है बस। यहाँ पे वेरी फ्यू के बदले ध्यान देना, यहाँ पे हमारा मोस्ट अदर आएगा, जब नो अदर तो एनी अदर, वेरी फ्यू मोस्ट अदर मेनी अदर, ये कौन सी डिग्री बन गई हमारी, ये कंपरेटिव। अब इसका बनाते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री, तो सिंपल है, तो करना आपको ऐसे यू आर, यू का वाई कैपिटल यू आर, देन क्या आएगा, जब वेरी फ्यू मोस्ट अदर मिलेगा ना तो इसमें क्या आएगा वन ऑफ, ये ध्यान देना आपको, कुछ अलग पढ़ने पे एक बार आपको प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है। अभी हमने बताया इसमें कुछ भी नहीं करना था आपको, सुपरलेटिव में पीछे भी कुछ नहीं करना था, लेकिन वेरी फ्यू में यहाँ पे वन ऑफ करना है, ये ध्यान देना, यू आर वन ऑफ द, उसके बाद में क्या है बेस्ट, कंपरेटिव फॉर्म में आता है गुड का बेटर, सुपरलेटिव में क्या आएगा बेस्ट, यू आर वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल,
ये हो गया। तुम मेरे स्कूल में, हमारे स्कूल में सबसे अच्छे विद्यार्थी हो, सबसे अच्छे। तो वेरी फ्यू, तो वेरी फ्यू से कंपरेटिव में ये और सुपरलेटिव में आएगा। और कोई बोलिए एक सेंटेंस आप लोग सिंपल ऐसे वेरी फ्यू करके बोलिए वो तेज। हाँ देखिए लिखते हैं यहाँ पे, नीचे दिख रहा है वहाँ पे ना, दिख रहा है देखो उसमें मोबाइल में, वेरी फ्यू टेम्पल्स इन इंडिया आर, और एक मिनट देखिए यहाँ पे गलती है, ठीक है यहाँ पे यू आर, ठीक है ये गलती है यहाँ पे लगाना है हमको आर, ये गलती हो रही थी। जब सब्जेक्ट हमारा कौन सा है प्लूरल, तो हमारा यहाँ पे वर्ब क्या है हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगा, गलती नहीं करना हमको। वेरी फ्यू टेम्पल्स इन इंडिया आर एज ब्यूटीफुल एज एज प्रेम मंदिर, मीन्स लव टेम्पल, ठीक है। अब हमें इसको चेंज किसमें करना है, कंपरेटिव में भी और सुपरलेटिव में। नीचे देखिए वहाँ पे दिखाई पड़ रहा है साफ क्लियर, कहाँ तक, यहाँ तक और ऊपर यहाँ तक, ठीक है। देखिएगा आप पहले चेंज करते हैं इस काम सुपरलेटिव में, तो क्या करना है, पीछे से आते हैं हमेशा इसमें, हम आएंगे यहाँ पे प्रेम मंदिर इज, उसके बाद में ये देखिए आप एडजेक्टिव चलते हैं हम लोग हमेशा, देखिएगा आप लोग ये कहाँ गया पॉजिटिव में, कंपरेटिव में, ये देखिए कंपरेटिव में था, हाँ ये आया था हमारा। यहाँ पे क्या आएगा, मोर ब्यूटीफुल सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब कंपरेटिव फॉर्म, ब्यूटीफुल हमारा सिलेबल डबल है इसलिए यहाँ मोर आया है, इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रेम मंदिर इज मोर ब्यूटीफुल देन, क्या आएगा, मोस्ट अदर या मेनी अदर टेम्पल्स इन इंडिया, मोस्ट अदर मेनी अदर तो हमारा क्या पे आएगा, ये देखिए जैसे हमारे यहाँ पे आएगा मोस्ट मेनी, हमारे यहाँ क्या आएगा आप टेम्पल्स इन इंडिया, यहाँ पे आता है क्या इसका सब्जेक्ट आता है। तो वेरी अच्छा, प्रेम मंदिर इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर मेनी अदर टेम्पल्स इन इंडिया, अब कैसे करना हमें इसको, उसमें आप सुपरलेटिव में प्रेम मंदिर, उसके बाद में क्या आएगा यहाँ पे इज वन ऑफ, बताए थे ना ऊपर अभी यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल्स इन इंडिया। जब भी आपको वेरी फ्यू मिलता है पॉजिटिव में, कंपरेटिव में मिलता है आपको यहाँ मोस्ट अदर मेनी अदर, तो सुपरलेटिव में इसके लिए आएगा वन ऑफ, ये ध्यान रखना आपको। और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हमें हमारे सहायक क्रिया है वो सिंगुलर में आएगी। देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है तुलसीदास वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स, तुलसीदास जो है एक सबसे महान कवि थे। अब यहाँ पे क्या है, कह सकते हैं इसको हम ऐसे भी, तुलसीदास जो है सभी कवियों में सबसे महान थे, ये भी कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग। देखिए ये क्या लगा आपका वन ऑफ, ये हमें किस में कन्वर्ट करना है, सी डी में और पी डी में। अब थोड़ा ध्यान देना देख लीजिए आप लोग को, यहाँ पे पहले इसको हम चेंज करते हैं किस में, पॉजिटिव में करते हैं पहले, सीधा काम करते हैं पहले। देखिए पी डी में क्या आता है जब वन ऑफ रहता है, तो वेरी फ्यू आता है, ये ध्यान रखना आपको वेरी फ्यू, उसके बाद तुरंत क्या आएगा सब्जेक्ट आएगा पीछे का पोएट्स आर एज ग्रेट एज तुलसीदास, ये देख लीजिए आप इस प्रकार कर देना है। अभी अगर आपको कहते हैं कि आपको अब पॉजिटिव चेंज करना है आपको सुपरलेटिव में, तो आप यही बनाएंगे, यदि आपको समझ में आ रहा होगा हो आ रहा होगा तभी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे फिर आप। तो वेरी फ्यू पोएट्स, अब देखिए वेरी फ्यू के बाद तुरंत पीछे का सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन देखिए हमारा इसका पॉजिटिव डिग्री में यही तो होता है
यही तो होता है ना। और लास्ट में क्या आएगा, इसका सब्जेक्ट पीछे वाला आएगा हमारा। अब कंपरेटिव में कैसे बनेगा इसका, अब यहाँ पे क्या आएगा, तुलसीदास इज देन ग्रेटर देन मोस्ट अदर या मेनी अदर पोएट्स, ये होता हमारा। आप इससे बनाए हैं, इससे बनाए हैं, तो ये तो पोएट आएगा। हाँ सर, पोएट्स आएगा ना। कहाँ पोएट्स आएगा, जब हम लोग कंपरेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं तब वो आता हमारा ऐसे। देखिए ये, अब देखिए हमारा कंपरेटिव डिग्री में लिखा गया सेंटेंस, मान लीजिए आपका ये बनाना है हमें इसको पॉजिटिव में, तो हमारा कैसे बनेगा। देखिए पॉजिटिव में आपका ये बना आपका, अभी देखिए ये कंपरेटिव में देखिए, थोड़ा से ध्यान देना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तुलसीदास इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर, देखिए पहले हमारा क्या आता आपका ये सब्जेक्ट आएगा, लेकिन हमारा इसका सब्जेक्ट आएगा, इसका आएगा ना कि, देखिए लास्ट में यहाँ पे इसका ये क्या आता आपका, कि हम लोग तुलना किससे कर रहे हैं, सभी कवियों से कर रहे हैं। तुलना किससे कर रहे हैं और किसकी कर रहे हैं, जिसकी तुलना करते हो यहाँ पे आता है और जिससे करते हो यहाँ पे आता है। ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, ये हो गया यहाँ पे। यही गलती होती है आदेश में बच्चों को, हाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको इसमें, एक्सरसाइज करिएगा आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है भैया, आगे देखिए, अब ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द स्कूल। अब देखिए इसमें वन ऑफ नहीं लिखा गया है, तो पॉजिटिव में क्या आएगा इसके लिए, नो अदर, याद है कुछ, नो अदर स्टूडेंट इन द स्कूल, एक क्लास स्कूल लिखा गया है, इज एज गुड एज ही, ये पलटने पे ऐसे होता है सेंटेंस, एकदम कन्फ्यूजन पूरा आती बच्चों के दिमाग में। सीधा तो सबको करना आता, लेकिन उल्टा सीधा मिला के ऐसे करके खिचड़ी पकाना, वो थोड़ा दिक्कत हो जाती है यहाँ पे। फिर अब कंपरेटिव बनाओ इसका, यहाँ पे अब क्या आएगा, यहाँ पे अब वहाँ से उठाएंगे, अब ही ये करते हैं हम लोग, फिर भी करेंगे। देखिए यहाँ पे आएगा ही इज, बताते हैं आपको ना, देखो ही इज, फिर क्या आएगा यहाँ पे, बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट इन द स्कूल। अब आप चाहे यहाँ से उठाइए, देखिए बताया गया था आपको, जब नो अदर आएगा तो इसमें क्या आएगा, एनी अदर आएगा। देखिए भैया, सुपरलेटिव से इन दोनों बनाने में बहुत ज़्यादा बच्चे प्रॉब्लम होती है, यही खास का ध्यान देना आपको। इसलिए देखिए हमने तीनों कौन सी डिग्री लिखा है यहाँ पे, तीनों लिखा है यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री ही। जब पहले में वहाँ से उठाएँ तो दूसरे में यहाँ से उठाएँ, वो आप लोग समझिएगा बताइएगा बाद में, अभी ना टेंशन लीजिए आप लोग, हाँ आएगा ठीक है। यहाँ पर देखिए, टूडे इज़ द हॉटेस्ट डे, आज सबसे गर्म दिन है। अब यहाँ पे देखो चेंज करते हैं इसका पॉजिटिव, पहले हम लोग यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव में, क्या आएगा, नो अदर आएगा, नो अदर डे इज, ठीक है। अब यहाँ पे कह सकते हैं इसे आप, सो नो लिखा है, सो हॉट इज टुडे, कहाँ लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, लो कर दो, दोनों कर सकते हैं ठीक है। उसके बाद में इसका बनेगा हमारा क्या, आप कंपरेटिव क्या आएगा, टुडे इज हॉटर, हॉटर बनेगा देन एनी अदर डे, इस प्रकार से चेंज कर देना आप लोग को। एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व करिए एकदम अच्छे से, कोई प्रॉब्लम आती दोबारा हमसे आकर के आप लोग पूछिए,
ठीक है, ये डिग्री इतना ईजी नहीं है, स्टार्टिंग से पढ़ने में तो बहुत आसान लगती है वो, लेकिन जब धीरे धीरे उसको हम लोग इधर उधर पलट के करते हैं तब वहाँ दिक्कत सब बच्चों को होती, खास करके।